भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में मेजबान भारतीय टीम ने जीत हासिल की और सीरीज में इंग्लैंड से हिस्सा बराबर कर लिया। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था। ऐसे में अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी हो गई है। भारत ने इस मैच में बेसबॉल को 106 रनों से मात दी। मैच का नतीजा चौथे दिन दूसरे सेशन के आखिर में निकला। इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन 399 रनों के जवाब में 67 रन 1 विकेट के आगे खेलना शुरू किया। मेहमान टीम ने 292 रन बनाकर ढेर हो गई और मैच 106 रन से हार गई। पूरे दिन मैच रोमांचक रहा, लेकिन रूट और बेन स्टोक्स का विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जैक क्रॉली ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया, लेकिन उनको कुलदीप यादव ने LBW किया। क्रॉली के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज इंग्लैंड का अर्धशतक भी इस पारी में नहीं जड़ पाया। इस तरह बेसबॉल फेल हो गई। अब तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने इस पारी में 3-3 विकेट निकाले, जबकि एक सफलता इस पारी में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को मिली। दोहरा शतक पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा था और दूसरी पारी में शुभमन गिल के बल्ले से शतक निकला था।